मंडाना थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति ने व्यापारी को फोन कर 1 लाख की फिरौती मांगी है। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। फोन करने वाले ने खुद को अनंतपुरा निवासी बताया है। धमकी के बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दी है। पीड़ित व्यापारी कमरुद्दीन जिलानी ने बताया कि वो 3 भाइयों में सबसे बड़ा है। उनकी मंडाना में 3 दुकानें हैं। सोमवार दोपहर 3 बजे करीब अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और 1 लाख रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जिलानी ने बताया है कि पहले तो उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा होगा। उन्होंने दोबारा उसी नंबर पर फोन लगाया। अज्ञात व्यक्ति ने बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर दिया। धमकी के बाद मंडाना व्यापार संघ के सदस्यों को बताई, जिसके बाद थाने में लिखित शिकायत दी। जिलानी ने बताया है कि उनकी व परिवार की किसी से दुश्मनी व लेन देन नहीं है। काम के सिलसिले में रोज कोटा आना जाना लगा रहता है। धमकी के डर से परिवार में दहशत का माहौल है। उन्हें जान का खतरा है। 3:15 बजे करीबन मेरे मोबाइल पे फोन आया, आते कि 1 लाख रुपए दे दो नहीं तो जान से मार दूंगा। तू नहीं तो तेरा भाई, तेरे परिवार के किसी भी सदस्य को 1 लाख रुपए अगर नहीं दिए 24 घंटे के अंदर। तो उसके बाद मैंने जैसे ही फोन कटा, उसके बाद मैंने खुद नंबर देख के फोन किया। फोन करने के बाद उस बंदे ने डायरेक्ट गालियां निकाली और टू कॉलर पे उसका नाम कोई रहीम नाम आ रहा है। जब हम रिपोर्ट कराने गए थाने में, जो ये अनंतपुरा मंदिर के पास कहीं वो पुलिस वालों ने देख ट्रेस किया है, जो मालूम पड़ा है।